दोस्तों, वेलकम टू अग्रवाल एंड गुप्ताज ब्लॉग। सो आज मैं आई हूँ रोमियो लेन, और रोमियो लेन का मैं अपना एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ कि आपको ये विज़िट करना चाहिए या नहीं। डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू विज़िट रोमियो लेन। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको विज़िट करना चाहिए। और जैसे मैं एंटर हुई, यहाँ पर आपको बार एरिया नज़र आ रहा है, और जो ये हॉल था, हॉल में जो सिटिंग प्लान इन्होंने अपना रखा हुआ था, और सिटिंग प्लान बहुत ही लाजवाब था। जो सिटिंग चेयर्स थी और टेबल्स थे वो बड़े कंफर्टेबल थे। ऐसा नहीं कि आपको बैठ के अनकंफर्टेबल फील हो, तो काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पर फील हो रहा था। तो आप देख रहे हैं ये जो एम्बियंस है बहुत ही अच्छा बना हुआ है मतलब। और जैसे ही मैं बैठी तो सबसे पहले मेन्यू आया। मेन्यू में हम लोगों ने जो ऑर्डर करना था वो हम लोग ऑर्डर कर चुके थे, और एक मेन्यू में सारा फूड स्टफ था और दूसरे में सारा ड्रिंक्स का था। तो मैंने तो वाटरमेलन जूस ऑर्डर किया था जिसकी कॉस्ट लगभग 345 रुपीस थी, और साथ में थी मैंने चपातीस और दाल ऑर्डर की थी। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये आउटडोर एरिया है सारा का सारा। तो अगर आपको ये विज़िट करना है ना, ये मतलब बहुत ही रिफ्रेशिंग कूल, आप जितना मतलब कम ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, जितना ज़्यादा बोलोगे ना इसके बारे में उतना ही आपको कम लगेगा। मतलब बहुत ही अच्छा था, कूल सा एनवायरनमेंट था, और हवा चल रही थी जबकि गर्मी थी, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि गर्मी है। बट इनका जो टाइमिंग है ओपनिंग का आउटडोर एरिया पे, अगर आपको मतलब पूरे की पूरी सर्विंग चाहिए यहाँ पर, तो वो है 6:30 PM के बाद, मतलब इवनिंग में 6:30 के बाद ही आपको वो ओपनिंग मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरी सिटी नज़र आती है, देखिए। और ये जो स्क्रीन लगी हुई है, शाम के टाइम आपको शो भी यहाँ पर मतलब सिंगर वगैरह आते हैं तो वो अपने शो करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एंजॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है। और ये एक अलग से, अगर आपको अलग से पूरा इंजॉय करना है तो आप इसकी अलग से बुकिंग करा सकें, मतलब आपको किसी का इंटरफेरेंस अगर नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो ये था रोमियो लेन, और आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, ठीक है। खाना तो मैं आपको बताऊंगी अब इसका कि A1 खाना था, ठीक है ना। हम लोगों ने, यार देसी बंदे हैं हम लोग, ठीक है, तो ज़्यादा फ्राइड राइड खाते नहीं हैं, तो सिंपल चपाती और दाल ऑर्डर किया था। और सिंपल चपाती की कॉस्ट मैं आपको बता दूँ 99 रुपीज़ पर चपाती थी, और दाल की कॉस्ट जो थी वो 399 के अप्रॉक्स थी, ठीक है ना, पर प्लेट। तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आप कहीं पर भी जाओ इतना तो कॉस्ट आता ही है। चपाती की थोड़ा कॉस्ट मुझे ज़्यादा लगी है, लेकिन अदर एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है, क्योंकि आप किसी और दूसरे रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो वेजिटेबल्स की कॉस्ट ऑलमोस्ट इतनी होती है अगर अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक है ना। तो होप सो दोस्तों आपने इंजॉय किया होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा वंस अ टाइम इफ़ यू आर लिविंग इन यमुनानगर। थैंक यू।